राजनपीडिया में आपका एक बार स्वागत है फिर से। ये सेकंड एपिसोड है मेरा जहां पर हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें नागपुर की आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए, आज राजनपीडिया लेकर आया है न्यूमिस्मेटिक आर्ट गैलरी, जहां पर बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें भी हैं, खास करके कॉइन्स एंड करेंसी के बारे में हम बात करेंगे। सोहम है हमारे साथ, सोहम राम, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक आर्ट गैलरी में सबसे ज्यादा डैशिंग बंदा यहाँ पर है जो आपके सामने, ये कुछ खास बातें बताने वाले हैं कॉइन से रिलेटेड। प्रिमिटिव मनी होता था, जो टूल्स होते थे, औजार होते थे, उसके लिए अपने को मेटल लगता था, आयरन लगता था, उसके साथ साथ क्राफ्टमैनशिप लगती थी। क्राफ्टमैनशिप में एफर्ट लगा, तो इसके लिए इसको पैसे के तौर पर चलाया गया था। लेकिन फिर वो उसमें कैसा होता था ना, हर चेंजेस आया, तो फिर लोगों को ऐसा लगा कुछ और मीडियम होना चाहिए, तो ये बीड मनी का इस्तेमाल किया गया था। एंड इसके बाद फिर कॉइन्स आया था, तो इनको लगा कि ये भी ऐसा यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं आ रही है। अच्छा। तो उसके लिए इन्होंने सोचा सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म चीज जो सबको चाहिए होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं है, तो वैसी चीज थी मेटल, चांदी। तो उन्होंने सबसे पहले चांदी को सिलेक्ट किया सिक्का बनाने के लिए। लेकिन पहले जनपद थे अलग अलग, और हर जनपद का अपना खुद का सिक्का होता था, तो उन्होंने राजा का सिंबल उस पर डाल दिया। अच्छा। सिंबल उसमें डालने के टाइम पे लकड़ी के प्लान पे वो रखते थे मेटल का टुकड़ा, और उस पर पंच करते थे, तो वो बेंट हो गया। अच्छा। इसलिए उसका नाम दिया बेंट बार। ओह, दिस इज द फर्स्ट कॉइन ऑफ इंडिया। This is the first coin of India. ये 2600 साल पुराना 6th century BC का गांधर जनपद का, इसका नाम है बेले। बेले बेले सिक्के को, जैसा नाम आज के सिक्के को अपन बोलते हैं रुपया, ये रुपया नाम अपने को दिया एक दिल्ली सल्तनत के राजा ने, शेर शाह सूरी नाम था उसका, उसने नाम दिया रुपया। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने वो कंटिन्यू किया, आज तक हम लोग रुपया चलता है, लेकिन उसके पहले अलग अलग नाम थे इसको, जैसा शतमाना बोलते हैं, शतमापन बोलते हैं। अच्छा। इसको बेले बोलते हैं, फिर टंका होता था, मोहर होती थी, दिनार होता था, ये अलग 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 कई सारे नाम दिए गए हैं। राजनपीडिया के इस एपिसोड में खास बात और आपको बताता हूँ, ये हमारे नागपुर शहर के राजा रघुजी भोसले वंशज के चलाए हुए सारे सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताऊँ कि अगर आप शौक रखते हैं सिक्कों को कलेक्ट करने का, या फिर आपको शौक है किसी को सिक्के गिफ्ट करने का, न्यूमिस्मेटिक आर्ट गैलरी जो कि श्री राम शाम टावर सदर बी विंग सेकेंड फ्लोर में है, जरूर आइए, विजिट कीजिए और आपको अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोहम राम टेके के साथ। 94.3 MHz पर हैं आप राजनपीडिया में राजन के साथ।